सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज मैं फिर से आपके लिए एक नया गेम लेके आया हूँ। मैं कोई ऐसा सा गेम देख रहा हूँ जो आपको देखने में भी मज़ा है और मुझे खेलने में भी मज़ा है। सो शायद मुझे कोई ऐसा गेम मिला है, तो इस गेम का नाम है फियर्स 2 फैंटम आयरन बार लुक आउट। एक बार ये थोड़ा गेम लैग ही सा हो रहा है, मैं इसके ग्राफिक्स कम कर देता हूँ। सो इस गेम में एक्चुअली में होता क्या है कि हम जो हैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। मतलब आपको अपने यहाँ तो बहुत बड़े बड़े ऐसे फॉरेस्ट हैं नहीं, बट जहाँ पर बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि ये ऐसे जो आपको दिख रहा है ना, ये वॉच टावर, ये ऐसे वॉच टावर्स बना दिए जाते हैं। सो उससे आपको निगरानी रखनी होती है कि वहाँ का वेदर वगैरह कैसा है और वहाँ पर कहीं आग तो नहीं लगी है या फिर कोई प्रॉब्लम गड़बड़ तो नहीं है। सो अभी जो है हम फियर ऑफ फैंटम का 4th एपिसोड खेल रहे हैं। सो वो बाकी एपिसोड भी हम खेलेंगे, बट गेम आपको पसंद आनी चाहिए, आपका अच्छा रिस्पॉन्स आना चाहिए। सो अभी ये सब तो मेरे को पता है, सब फालतू की बात कर रहे हैं। तो ये जो बंदा है, ये इसका नाम जो है वो है जैक नेल्सन, और एक ये हैगा पार्क रेंजर का काम करता था ये स्टेट पार्क में। बट इसको जो है इसका ट्रांसफ़र कर दिया गया इधर की जगह पर, और इसके पास एक इसकी कार है जिसका नाम आरवी कार वगैरह कुछ होता है। वो क्या है, पूरी घर वाली कार होती है, मतलब उसमें सब बेडरूम वगैरह होता है, बाथरूम वगैरह होता है और सभी कुछ होता है। बट ये कार में भाई ने इतनी खतरनाक LED क्यों लगा रखी है, या फिर शायद कुछ गेम का ही ग्लिच है, मैंने समझ भी नहीं आ रहा है, शायद कुछ गेम ग्लिच है। इतनी खतरनाक कार में LED कहाँ से लगा दे भाई, थोड़ा सा हटना पड़ेगा। एक बार थोड़ी गाड़ी साइड में लगाता हूँ। ग्राफिक्स तो भाई एकदम फोटो रियलिस्टिक ग्राफिक्स है, मतलब पुराने ज़माने जैसे एकदम ग्राफिक्स है। तो एक बार उठ के देखता हूँ। ओके, ये कोई गेम का ग्लिच ही है भाई, ये कितना अजीब सा है। देखो मैं जैसे माउस उतर करता हूँ ये सब बहुत गड़बड़ हो जाती है और उधर आगे ज़्यादा हो रही है। सो ये है हमारी कार, यहाँ पर हमारी एक डाइनिंग टेबल है, पीछे जो है हमारा किचन था, ये हमारा किचन है, यहाँ पर हम खाना बना सकते हैं, इसे धो सकते हैं, प्लेट वगैरह, वॉशिंग मशीन भी हमने लगा रखा है यहाँ पर। ये है हमारा एक प्यारा सा फ्रिज डबल डोर, ये हमारी वार्डरोब मतलब अलमारी, और ये जो है हमारा एक बेडरूम है, और यहाँ पर हम थोड़ा बहुत इसे सजावट का सामान इसने रख रखा है। सो ये तो ठीक ही है, ये सोफ़ा लगा हुआ है, बट पता नहीं ये ग्लिच बड़ा ही अजीब सा है, ये लाइट से एकदम आँखों में चुभ रही है। वैसे तो सब ठीक ही है कार में, बट ये ग्लिच बड़ा ही अजीब है। ये गेट है हमारा गाड़ी का, यहाँ से सब गेट खुल जाता है और हम उतर जाते हैं। भाई क्या लगा रखा है तूने गाड़ी में, सामने से कोई गाड़ी आ रही हो, अंधी हो जाए गाड़ी वाला, अंधा हो जाए भाई, इतनी खतरनाक लाइट लगा रखी है। छोड़ो इसको साले को, इस सड़ी हुई लाइट लगा रखी है, बट ये लाइट के साथ हमें थोड़ी देर ही जीना पड़ेगा। बाद में तो जो है हम हमारे आउटपोस्ट पे चले जाएंगे, तो ये लाइट जो है हमें तंग नहीं करने वाली। सो अभी जो है अभी तो हमें आगे जाते जाना है, और ये किसी का मैसेज आया हमें, इसका नाम है कालिया लेंसन, और हम शायद जॉन लेंसन नाम था, हम भी शायद यही सरनेम लगाते हैं। सो ये पता नहीं कौन है, ये शायद इसकी वाइफ वगैरह है। सो ये हमसे पूछ रही है कि हमने क्या वो जगह क्रॉस कर रही है, हमारा ID है। ठीक है, ये हमसे पूछ रही है कि ये जो अभी हम रोड पे हैं, क्या हमने ये रोड पार कर ली है, हमने ये सिटी पार कर ली है। सो अभी तो उसको क्या ही बोले भाई, तो तेरा काम कर, अभी ड्राइव कर रहे हैं हम, ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकते। वैसे ये सड़ी हुई LED लाइट इसने पता नहीं कहाँ से खरीदी, सस्ती चीप चाइना की LED लाइट, चलिए आँख पे इतनी गट रही है। और ये साला नीचे देखो, आप लिखा आ रहा है सब कैप्शन वगैरह, ये अकेला ही बड़बड़ा रहा है भाई, तू क्या पागल हो गया है क्या, इतनी लाइट देख देख के तेरे दिमाग में लाइट ही घुस गई है भाई, तू पागल हो चुका है पूरा, साला अकेला बैठा बैठा बड़बड़ा रहा है भाई, कोई ना इससे फ़ोन पे कनेक्टेड है, ना कोई इससे बातचीत कर रहा है, मतलब सामने से गाड़ी है भाई, राइट ले राइट ले राइट ले, मैं मेरे को लगा ये मेरे अंदर ही घुस जाएगा, ये साला इतनी अजीब दिख रहा है रोड, ये साला लाइट के कारण मेरे को लगा वो मेरे अंदर ही आ रहा है, क्योंकि उसकी गाड़ी की हेडलाइट और मेरी साइड की ये पता नहीं क्या सस्ती चाइना लाइट मेरी आँख में ही आ रही थी सब। तो ठीक है यार, ये बड़ी अजीब लाइट है, ये साला अकेले ही बड़बड़ा रहा है गाड़ी चलाते हुए, सामने शाम सी हो रही है। अरे ये लड़की साला फिर मैसेज करे, अरे 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 गिर मत जाना भाई, गाड़ी रोक ले पहले, गाड़ी रोक ले, क्या है इसको दिक्कत क्या है। इसका कहना पड़ रहा है कि जब ये वहाँ से निकली थी इसी रोड से जहाँ से हम निकलने वाले सिटी से,
दोस्तों वहाँ पर एक बेस्ट बर्गर करके एक जगह आती है और उसका जो है खाना बहुत ही ज़ोरदार है, मतलब उसका जो बर्गर है बहुत ही बेहतरीन है ऐसा इसका कहना है, तो हमें वो बर्गर ट्राई करना चाहिए। तो साला मैं वैसे ही यहाँ पर लेट हो चुका हूँ आते जाते और इसको अभी बर्गर खिलाना है। ये साला ये नल्ले को भी हाँ हाँ बोल रहा है कि हाँ भाई खा लूँगा बर्गर। अबे क्यों खाना है तेरे को बर्गर, अरे तेरा काम कर अभी, तू खतरनाक एकदम भूतिया जगह पे जा रहा है। सो गाइस मैं ये बता रहा था कि वो जो आउटपोस्ट है वो थोड़ा हॉरर है और वहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। सो और वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बहुत होती है, पैरानॉर्मल मतलब समझते ना, सुनसान घर में कभी भी कुछ भी अजीब अजीब आवाज़ें आना और ऐसी अजीब अजीब चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर वो सब बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा, वहाँ पर पूरा का पूरा भूत हमारे पीछे पड़ सकता है। भाई ब्रेक लगा, ब्रेक लगा भाई, भाई ठोक ही दी भाई आखिरी में। अबे वो इसका पैसा अलग से ले लेगी तेरे से खाने के अलावा। भाई गाड़ी इतनी अजीब है, इसमें कोई ब्रेक लगाने का कोई बटन नहीं भाई, इसमें आप डाल लो गड्डी रिवर्स, गड्डी रिवर्स ही डालनी पड़ेगी भाई ब्रेक लगाने के लिए, ब्रेक लगता ही नहीं इसमें। चल मान लीजिए कोई लाइट पूरी आँख पे आ गई मेरे, हट जाओ, उड़ जाओ, उड़ जाओ यहाँ से। यह बात क्या बढ़िया है, आप ठीक ही दिख रहा है ना यार, वो साली इतनी लाइट आँख में आके अब साला इधर देखा तो पूरा अंधेरा सा हो गया। सो अभी हम चलते हैं हमारे बेस्ट बर्गर में और वहाँ पर समझते हैं कि क्या दिक्कत है। ये एक क्या कर रहा है सर, ये क्या कर रहा है, ये अभी ये राइट माउस दबाने से तू किधर देख रहा है भाई, क्या कर रहा है। ये जाने का गेट कहाँ है भाई, गेट लगाओ यहाँ कोई। अबे वो अबे कुछ आवाज़ आई भाई चिल्लाने की, पता नहीं क्या था। तो यहाँ पर साला गेट एक तो इधर उधर लगा रखा है। ये आंटी कौन है, आंटी आंटी थैंक यू वेलकम करने के लिए, चलो खाना बताओ, चलो खाना लगा दो आंटी फटाफट, मैं तो भूत ले जाएगा आपको पकड़ के, आप भूत से कम नहीं आंटी। और फटाफट बैठ जाता हूँ उसी टेबल पे, ये वाली बढ़िया जगह लग रही है एक नंबर। ओके बढ़िया बैठा हुआ हूँ, हाँ आंटी चलो लिखो ऑर्डर लिखो। अरे आप बार बार आओ या चार बार आ, मेरे को क्या काम, फटाफट ऑर्डर लिखो। क्या खाने बोला उसने, बर्गर खाने बोला, अब चीज़ बर्गर लगाओ आंटी, अरे छोटी सी कॉफ़ी लगा दो आंटी, ज़्यादा पैसा नहीं मेरे पे, बस बस चलो 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 जाओ आंटी, बस हो गया मेरा काम, तो इसको डेड सेट कर देता हूँ। ओके 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 चलो 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 फटाफट, ठीक है चलो निकलो आंटी निकलो फटाफट, अपना काम करो, बर्गर बना के लाओ फटाफट। अरे ये क्या बोल रहा है, इसका कहना ये है कि ये खाना खाने के पहले इसको बाथरूम जाने की आदत है। भाई भाई ये कौन सी बात हुई, अब लोगों की खाना खाने के पहले हाथ धोने की आदत होती है, इसे बाथरूम जाने की आदत पहली बार देखी मैंने, ये क्या चीज़ है भाई, और उसको ज़ोर से जाना है। अबे ओ नल्ले साले तू पैसा दे रहा उनके यहाँ पर, इसका ये मतलब थोड़ी नहीं है कि तू उनका वॉशरूम भी यूज़ कर लेगा, सब कुछ यूज़ कर लेगा, तू क्या अजीब आदमी भाई, बड़ा ही अजीब आदमी भाई, बड़ा ही अजीब आदमी है साला, इसको वॉशरूम भी जाना है। अबे नल्ले साले तेरे को पहले पैसा दिया उसको, तू वॉशरूम भी जाएगा, तो वैसे ही यहाँ डर लग रहा है वहाँ पर जाने में ही, तो अजीब अजीब सुना भाई वो गेम के बारे में, ये गेम के बारे में बहुत अजीब अजीब सुना मैंने, बहुत डरावना गेम है। और ये साले उठ के अभी तक इनका खाने नहीं हुआ, आंटी मेरा खाना कब आएगा, आधा घंटा हो गया है बैठे बैठे, सब कुछ कर लिया मैंने तो मेरा अपना डेली का काम, आंटी अब तो खाना लगा दे। भाई आंटी आ गया, स्लो मोशन में कहाँ चल रही है भाई, जल्दी चल ले, तेरे को जल्दी नहीं होगी, मेरे को जाने की जल्दी है, फटाफट फटाफट लगा दे खाना। हाँ चलो भाई बर्गर आ गया, अब बर्गर खा लेता हूँ फटाफट फटाफट जरा, भाई इतनी देर क्यों लगा रहा है भाई, बर्गर ही तो है खा ले यार। ओके हो गया बर्गर खा लिया, एक कॉफ़ी मंगाई थी हमने, छोटी मंगाई थी, इतनी बड़ी क्यों ला दी साली ने, चलो कॉफ़ी भी पी ही लेते हैं फटाफट फटाफट, कॉफ़ी पी लेते हैं बस, हो ही गई। ओके भाई कॉफ़ी भी हो गई, चलो हो गया अपना। अरे यार ये साला अब खाना तो खाने दे भाई, तू क्यों मैसेज कर दी थी बार बार, अरे इंसान शांति से खाना खाए कि नहीं खाए, तो क्या चाहती क्या भाई। और ये फ्रेंच फ्राइज किसने मंगाया था भाई, मैंने सिर्फ बर्गर और कॉफ़ी मंगाई थी, फ्रेंच फ्राइज जबरदस्ती मेरे ऊपर थोप दिया गया। अबे चटनी तो डाल ले, अबे चटनियाँ तो डाल ले। अबे यार ये लेडीज़ मेरे को खाना नहीं खाने दी, अब भाई इसमें ब्लॉक करने का ऑप्शन नहीं है, वो उसको लिखता हूँ स्टॉप मैसेजिंग में। अरे अरे भाई क्या हो गया,
तेरे को क्या चाहिए? आप फटाफट बिल लगा चल। क्या इसको लिखता हूँ स्टॉप मैसेजिंग में। अरे एक तो मेरा कीबोर्ड भी काम नहीं कर रहा है यार। अरे हटाओ उसको, इसको कुछ बढ़िया कैपिटल में लिखते हैं। इसको लिखते डोंट मैसेज, मैसेज कैपिटल में लिखेंगे भाई, MSSGE। हाँ अब बस, अब भेज दो इंटर। अबे इंटर का बटन नहीं है। हाँ क्या है? हाँ तेरे को कितने देने? $6.60। अबे सिर्फ पैसा ले ले, टिप विप नहीं मिलेगी, 15% टिप। हाँ खड़ी गया, चल चल चल, पैसा मिल गया, चल निकल साला। टिप चाहिए तेरे को टिप? 4 घंटे में जो तू खाना लेके आई है यहाँ पर, और उसमें भी तेरे को टिप चाहिए? कुछ टिप विप नहीं देता हूँ मैं, मुफ्त का पैसा नहीं खाने का, मेहनत करने का। मेहनत साला पागल समझते अपने आप को, हमको दूसरों को सबको। ठीक है भाई, साला वो खाना भी नहीं खाना भाई, उसको ब्लॉक करने का कोई तो ऑप्शन दे यार, जान खा गई यार हमारी, परेशान कर दिया साली ने। अभी साला फिर से ये पता नहीं क्या लगा रखा है उसने, चाइना एलईडी कार में बैठा। एक सेकंड, गेट कैसे खुला है? अभी मैं तो गेट लगा गया था ना, लिटरली मेरे को मतलब एग्जैक्टली याद नहीं गेट लगा गया था, कोई घुस तो नहीं गया गाड़ी में। चेक कर लेता हूँ ऊपर नीचे, भूत ऊपर भी चिपक जाते हैं भाई, दीवार में चिपक जाते हैं भूत अपने से ना भाई, अपन कर लो चेक। अच्छा गेट लगाना पड़ेगा, गेट लगा लिया भाई फटाफट, कोई भूत भूत ना चढ़ जाए इधर पहले ही, ये तो पता चले स्टोरी लाइन में ऐसा। अरे तेरी तो साला, एक तो ये तेज लाइट मेरी आँख में जाना कब बंद होगी मेरे समझ में नहीं आ रही। अब रिवर्स डालो गाड़ी, और ऊपर रिवर्स डाल दी किसी की गाड़ी एडिट होगी, दिक्कत हो जाएगी। रहने दे भाई, तू सामने से निकाल ले, तू सामने से निकाल ले भाई, जाने ही नहीं अपने को रिवर्स, अपन रिवर्स जाते ही नहीं है भाई, थोड़ा सा पीछे कर ले बस। हाँ चल चल चल, पास अब लेफ्ट डाल दे भाई, लाट चल चल, आंदे 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 आंदे। हाँ चल 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 चल, चलो आंटी ने कम से कम पार्किंग तो बढ़िया बनी। अबे पर आंटी ये बीच में खंभा लगाया पर, अबे ये कौन था? मेरे को लगा कोई बैठा पीछे। हाँ जी सब सीन है भाई, एक तो इतनी चमकीली लाइट मेरी आंख में, पता नहीं कमाना बंद होगी भाई। अंधेरा हो गया शायद, अब हो गया कट सीन लग गए भाई अब। ओके 8 बज गई भाई, वो आंटी ने खाना लगा था। खैर ये चमकीली लाइट खत्म हो गई भैया। अरे भैया चमकीली लाइट खत्म हो गई, अब बढ़िया भाई, अब 2 घंटा गाड़ी चलाऊंगा आराम से, अब कोई जल्दी नहीं मेरे को जाने की। ये क्या लिख, अरे ये अकेला बड़ा बड़ाता रहता भाई, मेरे को तो लग रहा भूत यही है हमारा कैरेक्टर ही, ये बैठा बैठा अपने आप बोल रहा है, इससे तो कोई ना बात कर रहा ना कुछ। ओके मेरे को तो यही लग रहा भाई, जगह आउट पोस्ट। अरे तेरी अब गाड़ी इतनी जोर से काय में भिड़ी हैं, अब आगे तो कुछ है भी नहीं और जा भी नहीं रही गाड़ी आगे। अब पीछे ले पीछे ले पीछे ले, चल चल, ये मेरे को लग रहा है इससे आगे नहीं जान देंगे, डाल दे भाई पार्किंग में तो यहीं। हाँ लगाते 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 लगाते, चल 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 चल, अरे जान दे जान दे जान दे, बस बस, अरे बस अरे बस। अरे भाई ये भचेड़ देता भाई गाड़ी, क्या यार नल्ली सी गाड़ी भाई, ब्रेक भी नहीं लगाता साला ये। जो थी यार मैं गाड़ी पे तो आ गया, मैं समझ लो सदमे में आ गया भाई, मैं इतनी गाड़ी चला चला के। चलो मैं गाड़ी से उतर गया और अब मैंने याद से गेट लगाया है, ठीक है अब मैं गाड़ी पे आऊँगा तो मुझे याद है कि मैंने गेट लगाया है। पिछली बार मेरे को पता नहीं मैंने गेट लगाया था नहीं लगाया था, गेट खुला पड़ा था भाई, अपन रिस्क लेते ही नहीं भाई, गाड़ी में भूत घुस जाते, छत पे चिपक जाते, पता नहीं किधर किधर, अपन रिस्क लेते ही नहीं। ये घर किसका भाई, इसमें जाके देखते क्या है। हेलो कोई है भाई? अरे भाई अबे साले तू इतनी साले तू इतनी तू कहाँ झुक के बैठा था भाई, तू गेट पे, तू मेरा इंतजार ही कर रहा था क्या कि आए और मैं इसको डराऊं? तू भाई तू पागल हो गया क्या भाई, क्या नल्ला बंदा भाई, मैं आया ये पीछे यहाँ गेट क्या पता नहीं किधर छुप के बैठा भाई, और भो करके भम कर दिया साला, खड़ा किधर था ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। उधर तो टेबल लगी है, कंप्यूटर चला रहा है पर तू, ओके तू कैसे उठ रहा, तू पागल हो गया क्या भाई। ओके पाल, ओके भाई ला दे दे फटाफट, चाबी दे दे मेरे को, तू जान दे भाई सबसे ज़्यादा डर तो मेरे को तेरे से ही लग रहा, मैं जंगल के बीच में अकेले ले लूँगा भाई, पर तेरे साथ नहीं रहूँ कभी मैं, अजीब आदमी भाई तू साले।
ऐसे कौन डराता भाई, चल जल्दी गेट खोल दे, फांद के निकल जाऊंगा भाई, ऊपर से निकल जाऊंगा। अबे साले तू क्या पीछे से बार बार क्या थप्पा कर रहा मेरे को। हाँ चल चल निकल, हाँ ला दे लाइट दे, चल निकल भाई, लाइट हो गई चाबी। अबे अब क्या बाकी है, अबे क्या वेलकम साले, अभी इतनी देर बात कर तो लिया, अभी भी वेलकम बाकी तेरा। हाँ चल निकल निकल, चलो अबे अब क्या है, अब क्या है, हाँ क्या है, क्या एडवाइस है भाई तेरे को, डोंट ट्रैवल एनी फर्दर देन हाफ और माइल और नॉर्थ ऑफ योर टावर। हाँ ठीक है भाई, नहीं करेंगे ट्रैवल, तू जा यहाँ से, तू बस मेरे उसके बार वो क्या बोलते भाई उसको वॉच टावर के आसपास भी मत भटकना, तू फ्लैश लाइट फेंक के मार दूँ तेरे सर पे अब, बड़ा ही डरावना आदमी यार। चलो भाई चलो, अपना काम हो गया फटाफट। अबे ये क्या लिख रहा है, अबे ये बोल रहा है इसका बैग उधर ही छूट गया गाड़ी में। ये आदमी सही में भी पूरा पागल ही भाई, घनचक्कर आदमी एकदम, ना कभी इसके पास इसका बैग होता, ये अपने आप से बड़बड़ाता है। इसने इसकी गाड़ी में सस्ती चैनल लाइट लगा रखी है, ऐसी सड़ी हुई जॉब कर रहा है जहाँ पर कोई एक परिंदा भी पर नहीं मारे भाई, इसी जगह तो ये जॉब कर रहा है। भूतों के बीच इसका उठना बैठना मेरे समझ में नहीं आ रही, ये बंदे का सिस्टम क्या है, ये खुद फ्लैश लाइट लेके चलता नहीं है, दूसरों से फ्लैश लाइट मांगते हुए फिर रहा है। अबे साले तू गाड़ी में पूरा घर लेके चल रहा है, एक फ्लैश लाइट और ले लेता जेब में आके, गेट तो अपना भैया लगे ही हुआ, फिर भी एक बार सिक्योरिटी पर्पस के लिए चेक कर लूँ भाई, बैग तो मिल गया, एक बार सिक्योरिटी पर्पस के लिए चेक कर लूँ कोई बैठा तो नहीं इधर उधर, ऊपर ऊपर कुछ चिपका हुआ तो नहीं भूत छूत, तो भाई इधर तो कुछ भी नहीं। फटाफट अब अपना गेट लॉक कर दो गाड़ी का, ओके फिर से मैंने गेट लॉक किया है, मुझे याद है। अब मैं निकल रहा है यहाँ से, ओके अब किधर जा रहा, अबे साले टर, अबे मोड़ तो सही, अबे मोड़, अबे क्या कर रहा साला, बड़ा अजीब आदमी साला, ये तो मुड़ ही नहीं रहा माउस से, ओके अभी चलता रहा हूँ सीधे, साले उससे दूर रहियो भाई, और टोपी वाले आदमी से दूर रहना एकदम, ऐसा आदमी से मुँह नहीं लगना भाई अपने को, अजीब आदमी बहुत। चलता रहे अभी सीधे सीधे, अब हो गया ख़त्म हो गया शायद, अब डायरेक्ट उधर ही पहुँचाएंगे अपने को शायद, अपने वो क्या बोलते हैं उसको वॉच टावर पर ही पहुँचाएंगे अब शायद। पर साला इतना ज़्यादा स्क्रीन काला क्यों रखा भाई, हो क्या बस, इतना कितना बड़ा जंगल है भाई, पूरा जंगल ही पैदल पार करवाएगा क्या। अबे चल चला दे, अब हो गए जंगल अंगल पार सब हो गए, चल हाँ 11:32 हो गई भाई, 11:30 मैं 8:30 8 बजे तो मैं वहीं पर था, ओके आ गया, अभी भी उधर नहीं पहुँचा हूँ मैं, इधर आ गया मैं, क्या हो रहा है ये, अरे भाई बड़ा ही अजीब माहौल हो गया भाई इधर आके, तो दूर दूर तक एक कुत्ता भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर भाई, गेम भी कैसा हो गया बस भाई, अब तो गेम भी कैसा हो गया, अरे भाई ये क्या है, टावर कह रहा लेफ्ट साइड इधर है, ये रहा हमारा टावर और बाकी का सब माल जाल उधर है, हमको क्या काम भाई, हम हमारे टावर पे बढ़िया खुश हैं, हम उतरना ही नहीं हमारे टावर से, हमको उतरना ही नहीं है भाई, हमको हमारे टावर से नीचे ही नहीं आना भाई, टावर पे रहो आराम से खुश रहो। यूटिलिटी सैक इधर क्या रखा भाई, यूटिलिटी सैक में देखता हूँ जरा, ये तो पता नहीं किधर क्या ही चीज़ है भाई, ये लकड़े लकड़े पकड़ा लग रखा है इसने, पता नहीं क्या क्या रख रखा है इधर पे। अरे भाई मेरे को कोई काम नहीं, मैं टावर पे आराम से बैठूँगा, खाना खाऊँगा, रहूँगा उधर ही, मौज काटूँगा टावर पे। ये क्या है लकड़ी जनरेटर फनरेटर, मेरे को क्या काम भाई जनरेटर वगैरह का लकड़ी का मेरे को क्या काम, बढ़िया मैं तो उधर टावर पे रहूँगा, मेरे मौज काटूँगा भाई टावर पे मौज। अरे फटाफट चलता हूँ टावर पे, खोल दे चाबी से टावर, फटाफट खोल दे भाई। हाँ ये रहा मेरा टावर, एक बार चेक कर लूँगा ऊपर नीचे भूत तो नहीं बैठा है पीछे दरवाजे के, कुछ नहीं भाई चलो ओके भाई। अब यार एक है कि लाइट, अबे टावर की लाइट तो चालू कर दे, हाँ चालू कर दे। अरे यार ये मैं बोल रहा हूँ भाई, ये क्या कर रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रही इसकी चीज़, ये साला कोई से नशे वगैरह करता है, ये बात कन्फर्म है, ये साला आप जनरेटर ऑन करना भूल गया भाई, अब इसको जनरेटर ऑन करना याद नहीं रही, पहले इसको क्या बैग लेना याद नहीं रहती है, कब इसको गेट बंद करना याद नहीं रहती है। अरे भाई तू क्या अजीब आदमी है,
तेरा तेरे कुछ याद रहती है? तू कौन है? तेरे को यही याद है? तेरी सैलरी कितनी? ये तो तेरे को बराबर याद होगा भाई। सैलरी लेने तो तू हर महीने के एकदम एंड पे पहुंच जाता कि लाओ सैलरी लाओ मेरी 12,000 रुपये महीना। तेरे को ये तो बराबर याद रहता भाई, पर तेरे को ये याद नहीं रहता कि क्या करना है अब। साला यार जरा चेक कर लेता हूँ क्या चीज़ है ये क्या चीज़ है भाई। स्टैटिक, अरे क्या रेडियो, रेडियो भाई, रेडियो भाई, रेडियो। ओके कंप्यूटर पे दबाया। अबे ये क्या होगा? अबे पाइथन जावा की स्क्रिप्ट कहाँ से रन हो गई? अरे ये क्या होगा, हैक हैक हो गया क्या कंप्यूटर? अरे अबे इसमें पासवर्ड भी चाहिए तेरे को, Rainbow 98। अबे ये कौन सी विंडो है? Rainbow 98 प्रोफेशनल भाई, ऐसी तो कोई सी विंडो का नाम नहीं सुना मैंने कभी। चलो देख लेते हैं फिर भी क्या है क्या नहीं, पासवर्ड ढूंढ लेते हैं। कागज़ पे दबाता हूँ, मैं कागज़ पे दबा रहा हूँ, वो नीचे बिठा रहा भाई। ये बोर्ड पे कहीं लिखा है क्या कुछ पासवर्ड वासवर्ड? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये क्या है? ये भी नहीं है। ये साला आई हैड टू रिपोर्ट फॉर टू नाइट। अब मैं सोने जा रहा हूँ तो इसको रिपोर्ट करना है। ये कंप्यूटर का पासवर्ड लाना भी भूल गया भाई। पासवर्ड अब पता नहीं किधर ही मिलेगा, मेरे को ढूंढना पड़ेगा ये घर पे, पता नहीं किधर मिलेगा। इधर भी नहीं है भाई कुछ, इधर पे भी कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा भाई। क्या सिस्टम है ये तो। रेडियो रेडियो ऑन हो गया ना, बनकर। वैसे साला इतना डरावना माहौल है तो रेडियो ऑन कर रहा है ऊपर से। ये वो जो टूल है ना, वो विंड नापने का है, उससे मतलब हवा हवा कितनी क्या गति विति पे चल रही वो सब नाप सकते हैं। अब ये फेंकते कैसे? अब ये हाथ का सामान पहले ये फेंकना पड़ेगा मेरे को। तो सारे बटन दबा दबा कर देखता हूँ, कुछ ना किसी बटन से तो फेंका ही जाएगा भाई। ये तो बैठने बैठने ओके, अरे फेंका गया भाई, जी से फेंका था भाई, जी से फेंक दिया मैंने वो बैग और इसका टॉर्च। सारा सड़ा हुआ बैग भाई, कुछ लेके तो आया नहीं तू बैग में। ओके ये क्या डिवाइस है भाई, इसको चला के देख लेते हैं एक बार जरा। राइट माउंट बसन टू यूज। ओके भाई गेट खोलो जरा हमारा टावर का, देखूं जरा चला के। 20, ये शायद 20 किलोमीटर प्रति हावर से हमारे यहाँ जो हवा है वो घूम रही है। देखिए भाई तू उड़ मत जाना टावर पे से 20 किलोमीटर की गति में, तो ये तो पता चले तू यहाँ से नीचे तो सुबह पेपर में खबर जाएगी। रात को आया एक नल्ला टावर पे निगरानी रखने वाला, एक नल्ला आदमी टावर से गिर के उसकी मौत हो गई। अब फेंक दे टावर इसको, साले सड़ा हुआ टूल। ये क्या भाई कंपास? अबे फिर कंपास की ब्लेड ब्लेड कहाँ? साला कुछ दिशा ऐसा दिखाने के लिए कुछ तो हो उसमें। अब फेंक दे सड़ा हुआ कंपास साला। अरे पासवर्ड एक दिन लिखा भाई, बता दो यार अब क्यों नाटक कर रहे हो इतने। ये एक तो ये साले सड़ी मशीन चल नहीं रही है इसकी, ये कंप्यूटर चल नहीं रहा इसका, कुछ भी तो नहीं चल रहा भाई। तेरा क्या काम का है भाई? ये कीबोर्ड वीबोर्ड साला कुछ काम नहीं करता, माउस ये कागज पन्ने फालतू के पटक रखे यहाँ पर। ये तेरा कंप्यूटर किसी काम का है नहीं। इसमें चाहिए पासवर्ड, इसमें तो एक डंडा मार दे, 1 2 3 लिख के देखता हूँ जरा साथ खुल जाए। नहीं खुला। अबे तो क्या करूँ अब, ये पासवर्ड चैट में देख लेता हूँ ना यार। अच्छा आइडिया है, ये साली इतने मैसेज कर रही थी, पासवर्ड भी भेजा उसने ऊपर पे। यहाँ पर तो पासवर्ड तो नहीं लिखा यार, ये तो मेरी आईडी शाइडी है। ये कौन है? ये पता नहीं कौन है भाई, दो दो लड़कियों से बात कर रहे तू। इसमें देख लेता हूँ कोई पासवर्ड लिखा हो तो, और ऊपर जान दो। ख़त्म हो गया, इससे बड़ी कम बात हुई भाई इसकी, पता नहीं क्या दिक्कत है। ये तो ख़त्म ही हो गया भाई, इसमें तो कोई पासवर्ड लिखा ही नहीं है यार। फालतू की बातें कर रखी इसने बस बहुत सारे लोगों से, पासवर्ड काम की चीज कहीं नहीं लिखी इसने। ये तो थर्मामीटर भी लगा रखा है यहाँ पर, किसको बुखार आ गया यहाँ पर? थर्मामीटर की व्यवस्था दे रखी भाई। ये लाइन से क्या ड्रॉ करा हुआ है, पढ़ूं जरा। अरे ये तो लिखा पासवर्ड, आयरन बार्क टावर नंबर। अच्छा, मतलब हमको क्या है ये आयरन बार्क लिखना है और फिर जो भी टावर का नंबर हो, मतलब हमारा पासवर्ड है आयरन बार्क 11। अबे तो सालों इतनी गंदी क्वालिटी में क्यों लिख रखा है, ढंग से लिख देते थोड़ा सा। सो आयरन बार्क 11, खुल जा सिम। अरे खुल गया भाई, खुल गया।
नहीं खुलता, क्रैक कर देता अभी पासवर्ड, जलवा हमारा, क्रैक कर दें भाई पासवर्ड जरा से में। ओके ये अब ये कौन सा विंडो है, अब एक ढंग का वॉलपेपर तो लगा देते। GTA 5 किधर है भाई, इसमें ये क्या है, ये स्माइली, ये कुछ बता रहा है क्या हमको भाई, इसका कहना पड़ रहा है यहाँ पर 200 माइल्स पर हावर की गति से भी हवाएं चली, सो अपने आप को संभाल के रखे, अपने सीट की पेटी बांध के रखे और कहीं इधर उधर उड़ उड़ा ना जाए भाई। ठीक है भाई, बिल्कुल बांध के रखेंगे अपने सीट की पेटी। सो ये क्या है, सर्विस रिपोर्टिंग, ओके हमें यहाँ रिपोर्ट करना है, टेम्परेचर लिखना, विंड स्पीड लिखना और फालतू की चीज़ें लिखना। ओए मशीन चली, मशीन चलेगा, कौन है भाई, हाँ भाई मैं जैक हूँ, जैक भाई तू कौन है पहले ही बता मेरे को, कौन और अभी ये कैसा नाम है, हाँ भाई कैसा नाम रखा तेरे यहाँ, साले नाम तो ढंग का लगवा लेते थोड़ा सा। ठीक है मेरे को ट्रांसफर कर दिया भाई, बताता हूँ उसको सब कुछ अभी। भाई तू इधर ही आ जाना मेरे टावर में, दोनों भाई साथ में बैठ के खाना वाना खाएंगे, पियेंगे, मौज करेंगे। क्या बोल रहा है, गेट है लेट द टेम्परेचर पंप, अरे भाई तू जा यार, फालतू की बातें कर रहा मेरे से, मैं कंप्यूटर पे जरा GTA 5 डाउनलोड कर लेता हूँ। ये क्या चीज़ है भाई, अरे गेम शेम, अरे बाद में खेलेंगे गेम भाई, ये कैसा गेम है, ये क्या भाई, कंसोल क्या है ये, पता नहीं क्या क्या चीज़ है भाई इसमें, कंप्यूटर है क्या बनाया तूने, साले काम की चीज़ रखनी चाहिए इसमें, क्या रख रहा है फालतू हुआ, ये तो बटन ही नहीं था, अरे फोल्डर के, अबे दूसरे फोल्डर खुल दे भाई। ये क्या है, फ्लैश ड्राइव मीडिया, पता नहीं क्या क्या चीज़ है, अबे बंद कर, अबे इतनी बुरी शक्ल का आदमी बंद कर, नहीं देखना क्या इंसान है भाई, कितना बुरा दिख रहा है। तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, बोल रहा है कंसोल पे हेल्प वेल्प डालो, ये डाल दिया भाई, क्या है इधर पे, अपडेट एग्जिट, अरे भाई चेक फॉर द करंट वर्जन, अरे भाई कुछ करंट वर्जन वगैरह नहीं है। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, आज हमने बहुत कुछ किया, सो अब इसको नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए बाय।